इन दिनों में आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग डिप्रेस हैं, डिस्करेज हैं, निराश हैं, और जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, या हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा है जो इस समय मुझे टीवी पे, मोबाइल में देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, या फेसबुक पे देख रहा है, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की निराशा है, कोई ऐसी एंग्जाइटी है जो आपको इनसाइड खोखला कर रही है, कोई ऐसा फ्यूचर का डर हो सकता है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ। फिलिप्पियों के पत्री में पॉल कहता है, जो जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी हैं, भली हैं, मन भावनी हैं, पवित्र है, आदरणीय है, उन्हीं बातों पर ध्यान दो। क्यों बाइबल हमें सिखाती है कि सब बातों पर ध्यान मत दो? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिंदगी तब ही खूबसूरत बनती है जब कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। पर अगर हम हर चीज पे ध्यान देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, न चाहते हुए भी आपके अंदर कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आप नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा यीशु के जीवन में एक सिद्धांत था, एक प्रिंसिपल था कि वो बहुत सारी बातों को अनसुना करता था। आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति, उसकी बेटी मर गई, तब ये बात प्रभु को पता चली तो वचन में लिखा गया है प्रभु ने उसे अनसुना किया। जब भी हम सुबह में उठते हैं, एक तरफ वो बातें हैं जो हमें पसंद नहीं है पर वो हमारी जिंदगी में हो रही हैं, पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो खुदा कर रहा है। आपको हर दिन चुनाव करना पड़ता है कि मैं किस चीज की ओर निहारूंगा, मैं किस चीज की ओर देखूंगा, और वहीं से शुरुआत होती है कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उसका मुख्य कारण है आपका ध्यान गलत चीजों पर केंद्रित है। इसीलिए यीशु का पहला प्रचार था, चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो, अपने सोच को एक जगह से निकाल के किसी और जगह पे लगाओ, क्योंकि याद रखिएगा आपके विचार आपके जीवन को शेप देते हैं। नीति वचन में लिखा गया है मन जीवन का सूत्र है, इंग्लिश में लिखा गया है माइंड विल शेप, आपके विचार आपको आकार देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब इजबिल ने एलाइजा को धमकी दी तो वो डर गया, क्योंकि उस धमकी भरे शब्दों को उसने इतना ज्यादा मेडिटेट किया कि उसने एक जुनिफर ट्री के नीचे बैठकर, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने खुदा से अपनी मौत मांगी। क्यों? क्योंकि उसने उन शब्दों को लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र सबत किस दिन है, सिद्धांत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यही सिर्फ जानने से हमारा जीवन नहीं बदलता। सच्चा बदलाव, सच्ची खुशी तब आती है जब परमेश्वर आपको सिखाना शुरू करता है कि आपको किन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करूंगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, कि आज एक दुआ करें, आज इस दुआ को सीखें, हर दिन प्रभु से ट्यूशंस लें इन बातों की, आधा घंटा निकाल के प्रभु के चरणों में बैठें और उसे कहें, प्रभु मुझे सिखा वो कौन सी बातें हैं जिन पर मुझे ध्यान नहीं देना है, और परमेश्वर आपको सिखाएंगे। मैंने अपने जीवन में प्रभु से कई बार ऐसे एक विद्यार्थी की तरह बैठ के ट्यूशंस लिए हैं, प्रभु मैं आधा घंटा विशेष आपके पास आके बैठा हूं, मैं कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा, मैं दुआ नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि कौन सी वो बातें हैं जिस जो बातें मेरे अंदर निराशा ले आती हैं, और परमेश्वर ने मुझे कई बार वो बातें दिखाई, और जब मैंने उन बातों को दुआओं में खुदा को दिया और उसके बाद मैंने उन बातों में नहीं सोचा, मेरे जीवन में आनंद आया। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, जो जो बातें सुहावनी है, भली है, मन भावनी है, आदरणीय है, पवित्र है, भली है, उन्हीं बातों पर ध्यान करें। खुदा आपको बरकत दे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सेवकाई। जब भी हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में इन शब्दों को सुनते हैं, सो मेनी टाइम्स वी थिंक, बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं
कि मैं सेवा की बात करूंगा, जी नहीं, मैं उस सेवकाई की बात करना चाहता हूं जो वो आपके इनसाइड करता है, जो आपके भीतर करना चाहता है। मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है मेरी तरह तो आप प्लीज मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलिसियों की किताब और उसका तीसरा अध्याय। मैं कुछ सेकंड्स वेट कर रहा हूं ताकि आप अपने अपने बाइबल में से खोल पाएं। ये नए नियम की किताब है कुलिसियों और हम सब खोलेंगे तीसरा अध्याय। छोटा सा वचन है लेकिन इसमें से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलिसियों की किताब, ये आपको बाइबल में फिलिपियों के बाद मिलेगी और आप सब खोलेंगे इसका तीसरा अध्याय चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं तीसरा अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप इससे कितने लोगों के बात जानते हैं, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। क्या आप जानते हैं आपके पास दो सहायक हैं, एक यीशु और एक पवित्र आत्मा। आप जानते हो यीशु किससे डील करता है, आपके पास से। जब आप मसीह में आते हो वो सारे गुनाहों को क्षमा करता है। और आप जानते हो पवित्र आत्मा कहां सहायता करता है, फ्यूचर में। वो आपके भविष्य में वो गलतियां फिर से ना हो, वो गुनाह फिर से ना हो, इसलिए वो आपको भरता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, मैं तुम्हारे पास को संभाल लूंगा, वो तुम्हारे फ्यूचर को संभाल लेगा। कितनी अद्भुत बात है कि हम एक नहीं, हमारे पास दो दो सहायक हैं। जब भी हमसे गुनाह होता है हम मान लेते हैं और उसके लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं। और जब हम उसी यीशु को कहते हैं कि खुदा मुझे भर दे, तो वो हमें दूसरा सहायक देता है। यू हैव टू हेल्पर्स। मैं कई साल तक ये वचन पढ़ता था लेकिन एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने कहा दूसरा सहायक दूंगा, ये क्या है। तब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मैंने वो वचन देखा कि कैसे जीसस में आने के बाद, यीशु में आने के बाद, हमारे इंटायर पास्ट के सारे गुनाह उसके ब्लड में धुल गए और फ्यूचर के लिए उसने हमें अपनी आत्मा से भरा ताकि हम वो गलतियां फिर से न दोहराएं। ये एक अलग विषय है लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके भीतर क्या है। आने वाले कुछ समय तक मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुने, आप बड़े आशीषित होंगे। मैं कुछ इशारों में आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें ताकि आप लर्न कर पाएं। बहुत साल पहले हम इस तरफ थे, इसे आदम कहते हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमें मसीह में बुलाया, ये मसीह है। पर आप जानते हो आज बहुत सारे जो लोग हैं वे आदम से निकले हैं पर मसीह तक नहीं पहुंच पाए। और उसका मुख्य कारण जानते हैं, अब वो कहां है, वो स्वयं में है, वे बीच में है। उनके जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं है, इसके लिए हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। वे व्यभिचार नहीं करते, वे डीजे पार्टीज पे नहीं जाते, वो मूवीज नहीं देखते, वो बहुत सारी गलत बातों से नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप वो जानते हैं कुछ लोग मसीह तक नहीं पहुंच पाए। वे स्वयं में फंसे हुए, जिसे बाइबल सेल्फ लाइफ कहती है। स्वयं में फंसना, इट मींस अपने ही विषय में चिंताएं, अपने ही विषय के अंदर बहुत सारे कंफ्यूशंस। याद रखिए बाइबल बताती है हर आशीष मसीह में है, इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आशीषें दी। बाइबल बताती है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आज आप अपने आप से पूछें, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप संसार और गुनाहों से निकलकर आ गए हैं, पर क्या आप यहां तक पहुंच पाए हैं कि आप बीच में हैं, जहां पर आपको भले ही कोई बड़े पाप ने नहीं पकड़ा लेकिन चिंताएं, परेशानियां। आप जानते हैं इंग्लिश में इसे एक वर्ड में कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, जिसमें एक इंसान का ध्यान केंद्र बिंदु खुदा नहीं, स्वयं का जीवन है।
क्या कहा प्रभु ने जब चेलों ने पूछा अंत के समय में क्या होगा? प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में बहुत सारे लोगों का मन इस संसार की चिंताओं में सुस्त हो जाएगा। संसार की चिंता, मेरा दोस्त ने फ्लैट लिया, उसने घर बनाया, उसने कार खरीदी, मैं कहाँ हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। बाइबल बताती है संसार की चिंता। आज बहुत सारे जो लोग हैं दे आर नॉट फॉलोइंग क्राइस्ट बट दे आर फॉलोइंग अ लाइफस्टाइल। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु का पीछा नहीं कर रहे हैं, वो एक लाइफस्टाइल का पीछा कर रहे हैं। कई बार हम अपने ही विषय में इतना सोचते रहते हैं, अगर हमारे एक भाई ने एक गाड़ी ले ली अच्छी वाली 7 सीटर या कोई इम्पोर्टेड गाड़ी ले ली, या उसने घर ले लिया, या हमने देखा कि उसने गोल्ड का ब्रेसलेट बना लिया, चेन बना ली, नया आईफोन 13-14 ले लिया, तो हम कभी कभी सोचते हैं मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, खुदा ने मुझे कहाँ दिया था। सदैव याद रखिए जब यूसुफ गुलाम बना उससे पहले नहीं उसके बाद लिखा गया है परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह आशीषित था। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं, प्रभु ने जो हमें सुविधाएं दी हैं हम शुक्रगुजार हैं उसके, क्योंकि सुविधाओं की वजह से भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुविधाएं हैं, आशीष परमेश्वर है। गॉड हिमसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक सवाल अपने आप से पूछिए। आप दुनिया से निकले हैं पर क्या आप मसीह तक पहुंचे हैं? आस्क योरसेल्फ। गुमराह पुत्र जब वापस आता है तब बड़ा बेटा कहता है मैं इतने सालों से यहां हूं, मैंने कुछ नहीं मांगा। कितने लोग यहां देख पा रहे हैं बाप के घर में अपने लिए जीवन जी रहा था? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा, ए मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जानते हैं वहां मेरे नहीं है, वहां हमारे लिखा है। परमेश्वर कहां भी नहीं चाहता कि इंसान का खुद का जीवन उसकी केंद्र बिंदु बने। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई क्या है। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है एक व्यक्ति को आदम से निकाल के मसीह तक ले जाना, न कि उसको बीच में रखना। कई बार आप देखिए परमेश्वर हमें बहुत शेक करते हैं पास्टर्स के थ्रू, प्रीचर्स के थ्रू, बाइबल के थ्रू। कभी कभी आप यूट्यूब पे किसी ऐसे वीडियोस को सुनते हैं जो यहां पर बताते हैं। बाइबल बताती है एक बहन थी, हर नेम वॉज हैना, उसका नाम हन्ना था। बाइबल बताती है शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन, उसके पास बच्चा नहीं था। खुदावन से कई साल तक उसने बच्चा मांगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी दुआएं बदली, जब उसने अपने फोकस को बदला। जानते हो उसने क्या किया, उसने क्या देखा? उसने देखा कि जिन दिनों में हन्ना जीवित थी उन दिनों में इज़राइल में नबी नहीं था, there was no prophet। और उसने खुदा से एक बात कही, अब पहले की दुआओं में, अब की दुआओं में देखिए, पहले बेटा चाहिए था लेकिन अब नबी मांग रही थी। अब वो खुदा से कहती है मुझे एक बेटा दे और ये मेरा वादा है, मैं वो तुझे बेटा वापस कर दूंगी। और आप जानते हो ऐसा लिखा गया है कि जब हन्ना को बच्चा हुआ उसने दूध पिलाने तक उसे अपने पास रखा, लेकिन जब अब उसे लगा कि ये चल फिर सकता है, ये अब इसके टांगों में ताकत आ गई है खड़े रहने की, तब उसने वो बच्चा परमेश्वर के भवन में दे दिया, जिसके विषय में लिखा गया है उसका नाम सैमुअल था और वो एक महान नबी हुआ, जिसके विषय की उसकी आइडेंटिटी ये थी कि जो वो कहता था परमेश्वर उसे मान लेता था। आप जानते हैं उसके बाद लिखा गया है हन्ना के और भी बेटी बेटियां पैदा हुई। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप में से कितने लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि जब तक अपने लिए मांग रही थी नहीं मिला, लेकिन जब खुदा के किंगडम के लिए मांगा भर भर के मिला। जीवन तब बदल जाते हैं जब आपके इंटेंशंस, आपका मन उसकी तरफ रहता है कि प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया। वन थिंग, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जब परमेश्वर सुलेमान से मिले तो सुलेमान ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी कि तेरी ये जो
प्रजा है समुंदर की रेत की तरह इतनी बड़ी, जब ये लोग अपनी लड़ाई और झगड़े मेरे दरबार में लेकर आएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे क्या करना है। लॉर्ड गिव मी अ विजडम, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि इनका न्याय निष्कपट तरीके से हो सके। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि तो दी, लेकिन बुद्धि के साथ उसे बहुत कुछ दिया। क्या मांगा उसने, जरा सोचे। इतने साल तक नोहा प्रचार करता था, क्या खुदा नहीं जानता था कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा उसकी बोट में, फिर इतनी बड़ी बोट बनाने का क्या फायदा था। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात देख रहे थे, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, फिर भी उसने अपना काम बंद नहीं किया, वो उसे करता रहा विश्वास योग्यता से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा को आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे अपने आप से भर, मुझे अपनी रूह से भर, प्रभु मुझे अपनी आप से भर, आप जानते हो जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, एक खूबसूरत बात, एक खूबसूरत अनुभव आपको मिलेगा। आपका सेंटर जीसस हो जाएगा, आपका जो मन है वो यीशु की तरह। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा स्वभाव लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह इतना नीचे गिरता है, आपने देखा होगा हम कितने पृथ्वी की बातों की तरफ देखते हैं। मैं ये कोई गलत कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कभी आपने किसी जानवर को दुआ करते देखा है? हाँ, ये बात अलग है कि एब्रॉड में और बहुत सारे जगहों पे उनको टीच किया जाता है, पर क्या कोई बचपन से खुद करता है? हमेशा आप देखोगे जानवर चीजों को नीचे की तरफ देखता रहता है, उन्हें सूंघता रहता है, उन्हें देखता रहता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अर्थली थिंग्स पर है। जरा सोची क्यों परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, जिस मट्टी से हम बने हैं उसी मट्टी से वो बने हैं। क्या आप जानते हो जानवर उसी मट्टी से बने हैं, उन्हें भी किडनी है, उन्हें भी दिल है, उन्हें भी हमारी तरह आंखें हैं। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति में लिखा गया है और सारे जीव जंतु पृथ्वी पर से उठे, परमेश्वर ने उन्हें उसी मट्टी से बनाया है। इवन मरने के बाद एक इंसान को गाड़िए और एक जानवर को उसके बाजू में गाड़ दीजिए और कुछ सालों के बाद आपको पता नहीं चलेगा इंसान कहां है जानवर कहां है, क्योंकि वो हम बिल्कुल सेम हैं। लेकिन एक चीज जो खुदा ने इंसान को अलग दी वो थी अपनी सांस, ब्रीथिंग। क्यों खुदा ने उन्हें नहीं दी हमें दी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी तरफ देखें, इसलिए उसने हमें अपना आत्मा दिया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं नूह के परिवार में, नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी जो ऊपर की तरफ खुलती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साइड में खिड़कियां क्यों नहीं लगाई उसके जहाज में, क्योंकि प्रभु जानता था अगर साइड में खिड़कियां लगाई और जब प्रलय आएगी, जब जल आएगा, तो नूह शायद ये खोल के देखेगा कि लोग कैसे मर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था नू न्याय देखे, परमेश्वर चाहता था नू उस खिड़की से ऊपर उसकी तरफ देखे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ हो, हमारा ध्यान यीशु की खूबसूरती की तरफ हो, हमारा ध्यान उसके महान स्वभाव की तरफ हो। कैसे उसने हमसे प्रेम किया, कैसे उसने लिए हमारी जिंदगी दी, कैसे उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, कैसे उसने हमारे लिए हमारे श्राप उठाए। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा भी यही चाहता है कि हमारा ध्यान यीशु की तरफ हो। आप जानते हो हमारा स्वभाव ऐसा है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरफ नीचे गिरता रहता है, हम पृथ्वी की चीजों की तरफ देखते हैं। लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है जब परमेश्वर अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर करता है, तब जानते हैं जब पवित्र आत्मा आपको भरना शुरू करता है, वही पवित्र आत्मा उस नीचे गिरने वाले दृष्टिकोण को उठाता है और यीशु की तरफ लगाने में आपकी सहायता करता है, तब आपका ध्यान उसकी तरफ लग जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो उसकी तरफ देखकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। मैं जानता हूं जीसस फिजिकली नहीं दिखते और ना ही हमारे पास कोई उसकी मूर्ति है कि हम उसको देखें। यीशु की तरफ देखने का अर्थ होता है उसके वचन को ध्यान में रखना, उसके वचन की तरफ ध्यान लगाना, उसके वचन को मेडिटेट करना। इसीलिए सुलेमान कहता है सारी बातें उसी को ध्यान में रख के करना, तब वो तेरे कार्य सारे कामों को सफल करेगा। यही एक मुख्य पवित्र आत्मा की सेवकाई है, एक व्यक्ति को
आदम से निकाल के मसीह में ले आना, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। पूरा एफिशिएंस बताता है तुम मसीह में हो, तुम मसीह में हो, तुम मसीह में हो, पर यही कोलिसियो ये बताता है मसीह भी तुम में है, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, मसीह में। एक ऐसा ग्लास है जिसमें पानी है, पर खुदा ये नहीं चाहता कि हम हो, खुदा चाहता है हम वो ग्लास बने जो पानी में डूबे हुए रहे। इसे कहते हैं बपतिस्मा, पूरी तरह से उसमें डूबे हुए। आप जानते हो, अगर आप नदी में चल रहे हो और अगर वो नदी कमर तक है तो भी आप अपनी मर्जी चला सकते हो, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। अगर आप छाती तक भी भरे हुए हो तो भी आप अपनी चला सकते हो। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप डूब जाएं तो क्या आप अपनी चला सकते हैं? अब नदी आपको डायरेक्शन देगी। यही मसीह के अंदर रहना है कि आप नहीं, खुदा आपको वहां ले जाए। इसीलिए यीशु ने कहा, हवा जहां से आती है वहां को आती है, तुम उसे नहीं जानते, आत्मा से चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, उसे खुदा आगे ले जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस छोटे से संदेश में आपको मात्र यही बताना चाहता हूं, हम सभी विश्वासियों को एक दुआ करने की जरूरत है, और वो दुआ है, लॉर्ड मुझे अपने आप से भर, फादर फिल मी विथ योर स्पिरिट। याद रखिए, हमारे शरीर में कोई अच्छी बात वास नहीं करती। हमेशा याद रखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो खुदा करता है आपके अंदर से, लेकिन जब आप कुछ बुरा करते हैं, ये खुदा ने नहीं, ये हमने किया। हर बुरा काम हम करते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो ये हम नहीं करते, हमारे अंदर से परमेश्वर करता है। सदैव इस बात को याद रखिए, हमारे अंदर कोई अच्छी बात वास नहीं करती, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा है, ताकि अब परमेश्वर उन जगहों पर जहां कुछ अच्छा पैदा नहीं होता, अब परमेश्वर वहां पर यीशु पैदा करे और हम में से वो बहे। That is God's will. मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर कुछ समझा होगा। अंत में बात यही आती है, हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदा हमें पाकरों से भर। And listen, बंद करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश को लॉ की स्पिरिट में न ले। That's my humble request. जानते हो, what is the spirit of law? कि आप इसीलिए करोगे क्योंकि मैंने आपको सिखाया, जी नहीं, ये सब फिर दिमाग से आएगा, ये हृदय से आना चाहिए। ये इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि एक पास्टर ने ये बात आपको बताई, नो। याद रखिए, परमेश्वर पुराने नियम में हाथ धो चुका है, अब वो एक नई वाचा हमारे बीच में लाया है। मैं आपसे विनती करता हूं, इस वचन को लॉ की स्पिरिट में मत लीजिए। इसीलिए मत करिए क्योंकि आपको ये मैंने सिखाया, पर अपनी जरूरत को पहचानिए कि एक्चुअली सच में पास्टर प्रेमानी जो बोल रहे हैं, सच में मुझे इसकी जरूरत है। और आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। कितने लोग ये बात जानते हैं, एक व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहानी बताई थी। एक बंदे के घर में रात को मेहमान आते हैं, उसके पास सर्व करने के लिए कुछ नहीं था, वो पास वाले के पास जाता है, प्लीज गिव मी समथिंग, मेरे घर में कोई है। आप जानते हो उसने मना कर दिया। लेकिन कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर हम वहां होते तो कितनी देर ठहरते? हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस। कोई भी अगर हमें एक बार ना कहता है तो हम दोबारा उसके पास कभी नहीं जाते। लेकिन आप जानते हो, वो बंदा नहीं गया, उस बंदे ने फिर से कहा, नो, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। और बाइबल में लिखा गया है, शर्म छोड़कर मांगने पर उसे रोटी दी गई, और ठीक उसके नीचे लिखा है, अब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जानते हो यीशु यहां पर क्या टीच कर रहा था? डोंट जस्ट प्रे, बी पैशनेट। सिर्फ दुआ मत करो, तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए जुनून होना चाहिए। तब तक उसके दरवाजों पे मांगो जब
तक वो भर न थे। मैंने ये बात टीच लर्न की थी, यीशु हमें ये कहना चाहता है, डोंट जस्ट प्रे अ फॉर्मल प्रे, लॉर्ड प्लीज मुझे दीजिए, मैंने आज सुना भाई के द्वारा, नो, हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, पैशन। 33 साल के जीवन को दिखाने के बाद वो एक दिन अपने प्लेस पे खड़ा हुआ और जानते हो उसने क्या कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? क्या तुम ये जीवन देख रहे हो जो तुम्हारे बीच में मैंने जिया? यदि कोई ऐसा जीवन जीना चाहता है तो मेरे पास आए। जीसस प्रीच हिज लाइफ। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। वो किस चीज के लिए कह रहा था? वो दिखा रहा था, क्या तुमने मेरे जीवन को देखा मैं कैसे जीता हूं? क्या तुमने देखा मैं अपने स्वर्गीय पिता पे कैसे भरोसा करता हूं तूफानों में? क्या तुमने देखा मैंने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? क्या तुमने देखा जब लोग मुझे गालियां देते थे तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करता था? क्या तुमने देखा जब मेरे खुद के परिवार ने मेरे लिए कहा कि मेरा चिट ठिकाने पर नहीं है तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ? क्या तुमने ये बात देखी जब फरीसी मेरा विरोध करते थे मैंने कभी उनको बैक आंसर नहीं किया? क्या तुमने देखा जब बहनें गुजरती थी तो मैं उनकी तरफ कभी गलत नजर से नहीं देखता था? यदि कोई ऐसा जीवन जीने का प्यासा है तो मेरे पास आए। जीसस प्रीच दिस। उसके बाद वो कहता है, उसके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने ध्यान को बदलें। तकलीफों को देखकर परेशान होने से कुछ नहीं बदलना, लेकिन अगर अपना ध्यान आप उसकी तरफ लगाएं और उसे पुकारें तो वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा और आपका ध्यान सदैव उसकी तरफ रहेगा। चीजों को छोड़ दीजिए, समय पे खुदा सब कुछ बदल देगा, समय पे खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। आइए पर्पस को पहचाने, आइए हम जाने खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। उसने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि हम उसकी तरफ देखें, क्योंकि जो उसकी तरफ देखते हैं वो उसकी तरह हो जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। मैं संदेश को छोटी सी दुआ करके समाप्त करना चाहता हूं। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, मैं जानता हूं इट इज इम्पॉसिबल कि इस करप्ट फ्लैश में रहकर हम आपकी तरफ देख पाए, लेकिन आप हमें अपना अनुग्रह देते हैं, आप हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं ताकि हम आपकी तरह देख पाए। होने दे प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर ताकि हम तेरी तरह देखें और तेरी तरह बनते जाएं। जैसे हन्ना ने प्रभु जी अपना ध्यान जब अपनी जरूरतों से हटाकर तेरी ओर देखा तो वह बदल गई। पहली बार उसने यहीं पर खाना खाया, कई बार निराश होने के बाद, क्योंकि वो उस दिन उसने तेरी ओर देखकर जीवन जीना शुरू कर दिया। हमें भी ऐसा बना, इसी सेवकाई को करने के लिए तू हमारे बीच में आया। हम पर दया कर, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावन, हर एक पर तेरा हाथ आए, हर एक पर तेरा अनुग्रह आए, हर एक पर तेरी करुणा आए, हर परिवार आशीषित हो, हम आपसे ये मांगते हैं। महिमा आदर आपको देते हुए दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन।